गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एक गांव के मदरसे में पढ़ने वाली छठवीं क्लास की 12 साल की छात्रा के साथ मदरसे के मौलाना ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। उसने सभी बच्चों के घर जाने के बाद उसे रोक लिया और उसके साथ रेप किया। घर पहुंची छात्रा ने परिजनों को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर के उरुवा थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव के रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी गांव के ही मदरसे में कक्षा 6वीं की छात्रा है। वो रोज की तरह 9 सितंबर को भी मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी। जब मदरसे में पढ़ने के बाद सभी बच्चे घर जाने लगे तो मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना ने बच्ची को रोक लिया। इसके बाद उसने बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब वो बच्ची घर जाने लगी तो उसने किसी को भी इस घटना के बारे में बताने से मना कर दिया। आरोप है कि मौलाना ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब छात्रा अपने घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद बच्ची की मां उसे लेकर थाने पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर उरुवा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी मौलाना रहमत अली को अरेस्ट कर लिया है। पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान के साथ उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्राम मंझरिया थाना उरुवा बाजार की रहने वाली एक महिला के द्वारा कल थाने पर एक लिखित तहरीर दी गई कि उसकी लड़की जो लगभग 12 वर्ष उम्र की है वह गांव में ही स्थित मदरसे में पढ़ने जाती थी और कल दिनांक 9 सितंबर को भी वह मदरसे में पढ़ने गई थी और मदरसे में जो मौलवी है उसके द्वारा उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। इस तहरीर के आधार पर तत्काल सुशंगा बिहार होगी आरोपी को नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो पीड़िता है उसको मेडिकल कराकर धारा 183 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए जा चुके हैं और जो आरोपी मौलवी है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाए। गोरखपुर के एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि उरुवा थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव की रहने वाली एक महिला ने 9 सितंबर को एक तहरीर दी। उसने बताया कि उसकी 12 वर्षीय लड़की गांव के ही मदरसे में पढ़ने जाती है। मदरसे के मौलवी ने उसकी बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। उसकी तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। धारा 183 के तहत कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा।